तो ये जैसे कि शर्ट खराब हो रही है, मतलब मैं समझा नहीं, ये दिख रहा है कुछ यहाँ से ग्लैमर दिख रहा है, ये यहाँ से खोल दूँ, ये ठीक है अजय जी, देख लो आप जैसा कहोगे अजय सर, ये ठीक लग रहा है, ठीक है, थैंक यू सो मच। आप में से कितने हैं जो स्कूल्स में पढ़ाते हैं और कितने जो कॉलेज स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं? ओके, द टॉपिक इज के जो आप कर रहे हैं, चाहे स्कूल में पढ़ा रहे हैं चाहे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, वहीं पर और पढ़ाने के अलावा व्हाट एल्स कैन वी डू? आप पीटी सर हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग? नहीं सर, मैं प्राइमरी टीचर हूँ। अच्छा, आप प्राइमरी टीचर हैं? हाँ ठीक है सर, मैं एक सरकारी स्कूल में प्राइमरी टीचर हूँ। तो अच्छा। मैंने बच्चों से पूछा कि बेटा आप अपनी पर्सनैलिटी से, अपने रंग रूप से कौन कौन खुश है? तो उस टाइम मेरी क्लास में 32 स्टूडेंट थे, उनमें से 31 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने ये कहा कि सर हम खुश नहीं है। किसी ने कहा मेरा नाक लंबा है, तो मैंने उनकी काउंसलिंग की कि बेटा सैफ अली खान को देखो आप। किसी ने कहा मेरा कलर डाउन है, तो मैंने कहा आप अब्दुल कलाम को देखो। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं हम जो पढ़ाई के अलावा कर सकते हैं, और जो उनके अंदर कॉम्प्लेक्स है, जो हीन भावनाएं हैं, उन्हें हम निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर हम नहीं निकालेंगे तो फिर आगे जाकर के उनके जो सक्सेस के जो मार्ग है उनमें वो बाधा बनेगी। एक्सीलेंट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर इट। बहुत बढ़िया, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि हम कई बार क्या होता है, डे टू डे लाइफ में इतने एंटेंगल्ड हो जाते हैं कि अपना काम 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 काम, ऊपर से प्रेशर 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 प्रेशर, डेडलाइन डेडलाइन डेडलाइन, यही सब चल रहा होता है ना, कि इस टाइम तक ये हो जाना चाहिए, अभी एग्जाम आ रहे हैं, अभी ये चेकिंग हो रही है, ये हो रही है। इतना हम इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हम जी क्यों रहे हैं। क्या सिर्फ काम करने के लिए? काम क्यों करते हैं? पैसे के लिए। पैसे से क्या होता है? पेट भरता है। क्या सिर्फ इसलिए जी रहे हैं? वो तो जानवर भी जी रहे हैं, जानवर भी अपना पेट तो भर ही लेते हैं ना, तो हमें और जानवरों में फर्क क्या है? क्या हम किसी तरीके से ऐसा, आई एम 100% श्योर विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट, जो मैं आप सबकी आंखों में देख रहा हूं, कि क्या हम सबके अंदर ये डिजायर है या नहीं है कि हमारी वजह से किसी की लाइफ बेटर हो जाए? ये डिजायर है, लेकिन हम कितना कर पाते हैं ये, अगर हम सच बोले अपने आप से? तो बहुत कम। क्यों? क्योंकि हम अपना डे टू डे लाइफ में एंटेंगल्ड हो जाते हैं, उलझ जाते हैं डे टू डे पेटी इश्यूज में। कोई बंदा बैठा है, वो आपको अननेसेसरी ऊपर से बैठ करके टॉर्चर कर रहा है, कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, आपका मूड खराब कर रहा है, आप सही भी कर रहे हो तब भी आपकी गलतियां निकाल रहा है। कोई है अपनी प्रमोशन के लिए आपको नीचे गिरा रहा है, आप जो अच्छा कर रहे हो वो कोई देख नहीं रहा है, जरा सा आपने कुछ कर दिया तो आ करके आपकी धज्जियां उड़ा दी, है ना। ये सब चीजें हो रही हैं जो अभी आपको बिग इश्यूज लग रहे हैं, इन रियलिटी दीज आर जस्ट पेटी इश्यूज। आज से 20 साल बाद आपको याद भी नहीं रहेगा ये सब बातें। क्या याद रहेगा? कि मैंने किसकी लाइफ टच करी, सिर्फ माइंड के लेवल पर नहीं, दिल से। तो अगर हम अपना ध्यान ये समझ लें कि जिनको बिग इश्यूज समझ रहे हैं वो एक्चुअल में बहुत ही छोटी चीज है हमारी लाइफ में, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब वो चीजें होती रहेंगी अपने लेवल पे, वहां पे बात चलती रहेगी, ये चलती रहेगी, लेकिन उसकी वजह से हम अपना मूड खराब ना करें। क्योंकि जहां आपका मूड खराब हुआ, अब आप क्या अच्छा करोगे बच्चों के लिए? जैसे अगर आप इसको, मेरी बात की गहराई को अगर आप पकड़ पाए, आप लोगों का खुश होना बहुत जरूरी है, इतना जरूरी है जिसकी कोई हद नहीं है। क्योंकि जो इंसान खुश होता है वो कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप कहो कि मेरा आज मूड बहुत ही अच्छा है, मैं तुझे मार करके तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके फिर तुझे खाऊंगा? इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। ये सब थॉट्स कब आते हैं माइंड में? आ जाते हैं जी, कई बार शादीशुदा लोगों के माइंड में आ जाते हैं बहुत हो गए, ये चीजें होती हैं। लेकिन कब होती है? जब हमारा मूड खराब होता है। जब मूड अच्छा होता है तो जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। सो आप लोगों का मूड अच्छा होना, आपका खुश होना अपनी लाइफ से बहुत जरूरी है। आप दुखी किस वजह से होते हो, अगर आपको ये समझ आ जाए, जिन भी वजहों से आप हो रहे हो, सब छोटी मोटी चीजें हैं। बड़ी चीज क्या है? किन वजहों से आप खुश हो सकते हो? छोटी चीजें क्या है? अपने आप को औरों से कंपेयर करोगे कि यार टीचिंग का मैं इतना अच्छा काम कर रही हूँ सोसाइटी में, या कर रहा हूँ, और मेरी सैलरी क्या है, और मेरा वो दोस्त कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है उसकी सैलरी क्या है, यही सब चीजें है ना। हाँ देख लो क्या हो रहा है, ये सब छोटी मोटी चीजें हैं। सैलरी ज्यादा है कम है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है? आप कितने लोगों की लाइफ टच कर पा रहे हो, और आपके पास तो इतनी तगड़ी अपॉर्चुनिटी है। मतलब अगर आप मेरी नज़र से देखोगे तो इससे बेटर कोई प्रोफेशन हो नहीं सकता, अगर किसी ऐसे इंसान के लिए, अगर वो दिल से खुश रहना चाहता है तो। क्योंकि आप बच्चों के कॉन्टैक्ट में हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप खच्चरों के कॉन्टैक्ट में हो, सारे फ्रस्ट्रेटेड
एटलीस्ट ये बच्चे फ्रस्ट्रेटेड नहीं है. जहां आप हल्के से खुश हुए, आप कभी नोट करना, आपका मूड अच्छा हुआ, बच्चे और खुश हो जाते हैं. अरे आज तो मजा आ गया, मैम का मूड अच्छा है. होता है ना ये चीज. हाँ, लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, चाहे आप कितना मर्जी कमा रहे हो, वहां अगर आप खुश हुए ना, आप सोच नहीं सकते आसपास में, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को पता ना हो, बिकॉज यू आर नॉट फ्रॉम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, कि वहां अगर आप खुश हुए, क्योंकि बच्चे तो है नहीं आपके आसपास में जो खुश हो जाएंगे आपको देख करके, जरूर कोई गड़बड़ चल रही है, जरूर कोई गेम चल रहा है. तो वहां पर खुश हो पाना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. खुश होने के लिए कुछ ऐसा चाहिए होता है जिसके हम खुशी के कॉन्टैक्ट में हो. जैसे नेचर के अगर आप कॉन्टैक्ट में रहोगे तो आपके हेल्दी रहने के चांसेस ज्यादा हैं, या नेचर से बहुत दूर, कोसों मील दूर, जो खा रहे हो वो अननेचुरल, रह रहे हो पॉल्यूटेड एनवायरमेंट में, ये वो व्हाटएवर, तो हमारी हेल्थ सफर करेगी. ऐसे ही जो नेचुरल हमारी स्टेट है, जो बचपन में थी, उससे हम जितना दूर होंगे उतना ही दुखी होने वाले हैं. तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बचपन कहाँ है जी, वहां तो 55 साल के सारे हैं. मतलब बाहर से दिखा रहे हैं अपने, कुछ अंदर से कुछ बचा नहीं है उनके. बच्चों की स्माइल देख लो, देयर इज एन ऑनेस्टी इन दैट, देयर इज समथिंग नेचुरल इन दैट. बड़ों की स्माइल भी अगर आप देखोगे तो वहां पे एक अननेचुरल आपको एक फीलिंग आ रही होगी. कई लोग तो हंस रहे होते हैं तो देख करके सीधा अंदर से आते हैं, क्या चाहिए, सीधा बोलना. वहां पर कितनी मिलावट हो गई है. पॉल्यूशन का मतलब क्या है? मिलावट. नेचर में मिलावट मतलब पॉल्यूशन. तो आप एक इतने अच्छे एनवायरमेंट में हो जो ना आपको किसी मंदिर में मिल सकता है, ना मस्जिद में, ना किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, ना दुनिया के किसी कोने में. वो मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ बच्चों के कॉन्टैक्ट में. वहां पर भी आप कुछ नहीं हो अपनी लाइफ से तो कहां खुश होगे? मुझे, मेरी समझ से परे है. मतलब यू हैव गॉट सो मेनी रीजंस टू बी हैप्पी. आई एम नॉट टू श्योर आप लोग कितने इस बात से कनेक्ट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि बार बार आप लोगों के माइंड में यही आ रहा होगा, नहीं नहीं आपको पता नहीं है, एक बार हमारी जगह पर आकर के देखो. यहाँ पर बैठ करके बोलना तो बड़ा ये होता है, वो होता है, व्हाटएवर. हेलो सर. सर आपने, मुझे नहीं पता औरों की लाइफ चेंज की है कि नहीं की, लेकिन मेरी लाइफ और मेरी बेटी की लाइफ जरूर चेंज की है. और वो अभी कॉलेज में आई है और शी इज़ गॉट अ 96% इन मेडिकल. और वो सिर्फ आपकी वजह से हुआ, क्योंकि उसको मैंने आपकी वीडियोस में 4 साल से देख रही हूँ, और 4 साल से मुझे एक बात समझ आ गई कि कोई भी बच्चा हो, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो मेरा खुद का स्टूडेंट हो, उसको इतना खुला छोड़ो कि उसको ये पता चल जाए कि ये करूँगा तो ये गलती मैंने की है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सके. हम टीचर्स क्या करते हैं कि हम उनकी कमियां तो उनको एहसास करा देते हैं, लेकिन जहाँ पे उनको अप्रिशिएट करना होता है वहाँ पे हम बैक ऑफ कर जाते हैं कि हमारी वैल्यूज कम ना हो जाए. लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर थैंक यू वेरी मच. हां बहुत प्लीज आइए. हां आप बोलिए. आई डोंट नो, प्लीज प्लीज बोल दिया तो मैं कुछ बोल नहीं सकता. सर मैं छोटे बच्चों से डील करती हूं, 3 to 4 years जो ओल्ड होते हैं, तो नो डाउट सर जो उनके चेहरे पे स्माइल होती है और मॉर्निंग में आके इतना अच्छा लगता है, क्योंकि एक हैबिट क्लास में मैंने बनाई हुई है कि टीचर को गुड मॉर्निंग विश करने के बाद सबसे पहले तो यही बात करनी है, आई लव यू माई क्लास. सो रिवर्ट मुझे मिलता है आई लव यू मैम. तो वो इतना अच्छा होता है मॉर्निंग में, इतना रिफ्रेशिंग लगता है कि वाओ कोई तो है जो मुझसे प्यार करे इतना ज़्यादा. एंड सेकेंडली सर ये होता है कि अगर आप बच्चों को ये बोल देना कुछ भी वो कर रहे हैं क्लास में, सिर्फ एक बार ये बोले इट्स ओके बेटा रिलैक्स, कुछ नहीं होता. क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो कभी यूरिन पास कर देते हैं, कभी पॉटी कर देते हैं, एंड ऐसे डर जाएंगे जैसे पता नहीं क्या हो गया, बट एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि 10 years होने वाले हैं अब एक्सपीरियंस में. तो एक्सप्रेशन से जैसे ही पता चलता है तो मैं कहती हूँ इट्स ओके बेटा पॉटी निकल गई कोई बात नहीं क्लीन हो जाएगी, हमारी भी निकल जाती है. आते हैं एडल्ट डायपर्स आते हैं. हाँ, उनको बता सकते हो कि हाँ भाई तुम्हें क्या पता तुम्हारे दादाजी की भी निकलती है. मैजिक वर्ड में जैसे हम कहते हैं ना सॉरी और थैंक यू हम ये यूज करते हैं, और मैजिक वर्ड में हम ये भी वर्ड ऐड कर सकते हैं इट्स ओके. इट्स ओके, इट्स ओके बेटा रॉन्ग हो गया क्या हो गया फिर हम सीख लेंगे. अब आपकी सुन भी लेते होंगे प्लस जाकर के घर में बताते होंगे फेवरेट मैम, सारे बच्चे मेरी फेवरेट मैम, फेवरेट मैम आप बहुत अच्छे हो, और मैं नहीं आती हूं तो वो इतना रोते हैं फिर उसके बाद बहुत ज्यादा गीता मैम क्यों नहीं आई, गीता मैम क्यों नहीं. अरे वाह जी वाह, आप तो छा गए, आप पूरी इंडिया की गीता मैम बन गए, आपको खुद को नहीं पता है अभी लाखों लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं. गीता मैम क्यों नहीं आई, गीता मैम आज यहाँ पर आई मैं भी खुश हो गया, बच्चे का मैं खुश हूँ.
आई एम सो ग्लैड कि आप यहाँ पर आए. थैंक यू सर. सेम हियर सर. सेम हियर. हेलो सर, मैं थोड़ा सा मतलब इन द सेंस कि मैं ड्रामा पढ़ाती हूँ व्हेन इट कम्स टू टीचिंग चिल्ड्रन, क्योंकि हम पढ़ा नहीं रहे होते हैं. एक है इम्प्रोवाइजेशन, एंड आज की डेट में भी बच्चे उस चीज़ को इतना इन्जॉय करते हैं क्योंकि वो उनका पर्सपेक्टिव होता है. हम हमेशा मेरा पर्सपेक्टिव, ये देखो, ये मेरे तरीके से देखो, हम हमेशा इस चीज़ में डिफर कर जाते हैं कि हम कभी ये नहीं सोचते कि बच्चे का पर्सपेक्टिव क्या है. तो कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइजेशन जो पूरा टर्म है तो वो इसी बात के बारे में बात करता है कि मुझे उस सिचुएशन के बारे में क्या लगता है. तो वहीं से दूसरा टर्म आता है हियर एंड नाउ. ड्रामा का सबसे इंपॉर्टेंट होता है हियर एंड नाउ. हम एज एन एक्टर हम बड़ा प्रिपेयर करके चलते हैं कि जी ऐसा मेथड एक्टिंग और ये और वो, बट हम ये भूल जाते हैं कि जब उस मोमेंट पे कुछ भी हो सकता है. इट्स अ लाइव फॉर्म, कुछ भी हो सकता है. होता ही है, होता ही है. सो उस टाइम पर वो जो हियर एंड नाउ है ना कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ और मैं यहीं पर हूँ, वो मोमेंट जीना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम. आपने जो बातें कही हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो सिर्फ जो आप कर रहे हैं वहीं पर रेलेवेंट नहीं है, यानी कि थिएटर में, ड्रामेटिक्स में, वहीं पर रेलेवेंट नहीं है, ये ओवरऑल लाइफ में भी बहुत रेलेवेंट है. एक आपने बोला इम्प्रोवाइजेशन, कि लाइफ में हमेशा वैसा नहीं होता है जैसा हम सोचते हैं. और ये कोई, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये आप सबका एक्सपीरियंस है, हमारा सबका एक्सपीरियंस है. हमने लाइफ में जैसा सोचा क्या वैसा हुआ हमारे साथ में? क्या जैसा हम चाहते हैं वैसा होता है? तो जब वो ना भी हो तो जो है उसी में खुश हो जाना इज इम्प्रोवाइजेशन. इम्प्रोवाइजेशन मीन्स कि कहीं पर कुछ गड़बड़ हो गई है या कोई सिचुएशन है विच इज काइंड ऑफ मोनोटोनस, कुछ बोरिंग है, उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए. दूसरा आपने कहा हियर एंड नाउ, इससे बड़ी चीज कोई हो नहीं सकती. तो मे बी अपनी क्लास में कुछ बीच बीच में सिर्फ 5 मिनट के लिए कि जो है बस उसके बारे में हम बात करेंगे, कुछ ऐसा जो है इस क्लास में लेकिन आज से पहले किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया, आप करो और बताओ. हमें लगता है कि हम जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं. हम ख्यालों की दुनिया में होते हैं, सपनों की दुनिया में होते हैं. मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर अभी आज आप घर जाना, आपने घर जाकर के जिस कमरे में, जिस घर में आप रह रहे हो पिछले 10 साल से 20 साल से, वहां पर जाकर के इस नजर से देखना अपने उस कमरे को जिस नजर की मैं बात कर रहा हूं, कि देखता हूं इस कमरे में कुछ ऐसा है जो आज से पहले मैंने कभी ऑब्जर्व नहीं किया है. एक दो नहीं, हजारों चीजें नजर आएंगी. वंस वी बिकम अवेयर ऑफ कि हमारे आसपास में क्या हो रहा है तो हम ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाते हैं. सारी प्रॉब्लम्स हैं ख्यालों की दुनिया में. जो हम एक्ट नहीं कर पाते हैं सही तरह से अपनी लाइफ में, वो बिकॉज कि हम यहां जीते रहते हैं, यहां नहीं जीते हैं. जो होता है वो हमको दिख नहीं रहा होता है, वो हमको सुनाई नहीं दे रहा होता है, कोई बोल कुछ रहा होता है, हम उसको सोच कुछ रहे होते हैं और उससे लड़ रहे होते हैं, जबकि लड़ने की जरूरत नहीं होती है. बहुत बार सिर्फ सुनना होता है. सुनते कहाँ है? सुनना सिखाया किसने है? देखना सिखाया किसने है? रटना सिखाया है. देखना कहाँ सिखाया है? वो जो रटा है उसके बेस पे बोलना सिखाया है. देखना कहाँ सिखाया है? वी जस्ट अज्यूम कि नहीं देखना तो आता है. कहाँ आता है? जो है उसको देखना आता है क्या? तो उस वक्त क्या किया जा सकता है? सिर्फ यहां पर जो है हर क्लास में कुछ नया, और आई एम 100% श्योर बच्चे अगर आप उनको मौका दोगे ना, 5 मिनट क्या 5 घंटे तक बोलते रहेंगे. बोलो तो सही, कुछ ऐसा जो आज से पहले इस क्लास में नहीं था. वो कहेंगे हाँ यहां पर इस दीवार पे, इस जगह पे निशान पहले नहीं था, ये मक्खी नहीं थी, ये मक्खी की आवाज नहीं थी. इफ यू आर एब्सोल्युटली अवेयर ऑफ एवरी सिंगल मूवमेंट इन योर लाइफ, आप देखोगे लोग रोबोट्स की तरह जी रहे हैं. कल मैं एक पार्क में वॉक कर रहा था अपने घर के पास में, वहां पे एक चूहा मरा हुआ था. वो लोगों को पता ही नहीं है. मैं वहां से जा रहा हूं तो मेरे को पता है कि अब वो पॉइंट आने वाला है, तो उससे थोड़ी देर पहले मैं सांस रोकता था, फिर धीरे धीरे छोड़ करके वहां से आगे बढ़ता था. वो लोग गुमसान की तरह चले जा रहे हैं, उनको होश ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है वहां पे बदबू है, बस अपने अपने ख्यालों में खोए पड़े. ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, टू बी हियर एंड नाउ. ये नहीं आया तो इंसान होने का कोई फायदा ही नहीं है, मशीन है. तो आई एम टॉकिंग अबाउट समबडी हु इज अ ह्यूमन बीइंग, एन एक्टिव ह्यूमन बीइंग. वो उसकी शुरुआत कहां से होगी? आप लोग कर सकते हो और कोई नहीं करेगा. ये नोबडी एल्स कैन डू इट.